मेरा नाम है पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं परिवर्तन तक। आज हम भितियारवा पहुंचे हुए हैं और यहां पे एक बुनियादी स्कूल का निर्माण कार्य हो रहा है, जिसको लेकर के यहां पे बहुत सारी गहमा गहमी और बहुत सारी बवाल जो है हो रही है। और हमारे पास इस बुनियादी विद्यालय के बनाने वाले ठेकेदार हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मामला। आपका क्या नाम? पवन कुमार कुशवाहा। आप जो बुनियादी विद्यालय बन रहा है इसका ठेकेदार है? जी हम ही। क्या कुछ मामला है कि यहाँ पे ग्रामीणों का जो है विरोध? ग्रामीणों का कुछ विरोध नहीं है, विशेषकर यहाँ पे बिट्टू जी हैं, छुन्ना जी हैं और उनकी वाइफ है सुंदरम कुमारी। सुंदरम कुमारी मतलब यहाँ के क्या है? मेरे को यहाँ के तो हमको पता नहीं क्या है, लेकिन यही आके विशेष करके 9 तारीख के पेपर में ये लोग आके और यहाँ तक कि पब्लिक भी बोले कि चलिए वहाँ पे काम रुकवा दिया जाए। आपको सुंदरम कुमारी के बारे में नहीं जानते? नहीं, हम कुछ नहीं जानते, उनसे पूछने की कोशिश भी नहीं की। वो लोग क्या बोले कि आप काम घटिया कर रहे हैं। मैंने बोला क्या घटिया था, ये लोग जो है वो ईंटा को जो है फ्लाईएस ईंटा है उसको ऐसे लड़ा के दिखा रहे हैं। फ्लाईएस ईंटा जो है चिमनी ईंटा की तरह मजबूत नहीं होता। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो क्या कुछ आपको आदेश है कि फ्लाई ईंटा से ही जो है इस बिल्डिंग भवन का निर्माण? एस्टीमेट में फ्लाईएस ईंटा ही है। एस्टीमेट में फ्लाई से ईंटा? एस्टीमेट में फ्लाई से ईंटा ही है। कितना एस्टीमेट से जो है इस बुनियादी विद्यालय को बनाने का जो है प्रावधान है आपके? लगभग 40 लाख के आसपास, बस वही। यहाँ पे जो ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों को पहले एस्टीमेट नहीं बताया गया है या कोई बोर्ड नहीं लगाई गई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा ठीक है, मैंने बोर्ड नहीं लगाया, मैं एस्टीमेट के हिसाब से काम कर रहा हूँ। और सुनिए, आप कितना भी सही काम कीजिए बोन जी, आप कितना भी सही काम कीजिए, जब तक आप एस्टीमेट का बोर्ड नहीं लगाते हैं तब तक यहाँ की जनता जो है वह इससे तो संतुष्ट नहीं होगी कि आप कितने एस्टीमेट के तौर पर काम कर रहे हैं, इसलिए कि आप बोर्ड क्यों नहीं लगवाए। आप मेरे को बता दीजिए यहाँ पे जहाँ भी काम हो रहा है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं मैं कुछ नहीं बता सकता। आप सबसे पहले ये बताइए, सबसे पहले आप मेरे सवाल का यह जवाब दीजिए कि भवन निर्माण से पहले उद्घाटन के समय में, जब भवन का शिलान्यास होता है वहाँ पे उद्घाटन के समय में एस्टीमेट का बोर्ड लगाया जाता है किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर, यदि कोई भी भवन निर्माण हो तो आपने वह काम क्यों नहीं किया? मैंने उसको नहीं किया। इस भवन निर्माण जो है किनके द्वारा किया गया? क्या इसका शिलान्यास कौन किया? इसका शिलान्यास किसी ने नहीं किया। इसका शिलान्यास करने के लिए कोई नहीं आया? आपने स्वयं करके इसको बनवा रहे? जी। किसके अंडर में जो है पास हुआ है? भवन निर्माण के। किसके मतलब कि फंड से जो है यहाँ पे बुनियादी विद्यालय बनाई जा रही है? बिल्डिंग डिवीजन के द्वारा ही ये काम है। बुनियादी भवन जो बन रही है, यानी कि आपका साफ साफ कहना है कि हमने बोर्ड नहीं लगवाया? जी बोर्ड नहीं लगवाया। क्या रीजन क्या है? कुछ नहीं है, नहीं लगवाया। इसी बात से ना यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है। इसमें झुनू जी, बिट्टू जी और सुंदरम कुमार, ये लोग जो है अपने आप को हाईलाइट होना चाहते हैं। मैं सबसे पहला कर रहे हैं और इसमें सुनील कुशवाहा का नाम जोड़ के उनको बदनाम कर रहे हैं, मेरे को बदनाम। देखिए सबसे पहला चीज, और इसमें ये भी बोला जा रहा है कि सुनील कुशवाहा मेरे भाई हैं, चाहे जो भी है उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। मुझे जहाँ तक नॉलेज मिली कि आप सुनील कुमार कुशवाहा जी के अपने आप को भाई बताए थे, इसका जो है मैं तो आपके बोलने का मेरे भाई है, बिल्कुल भाई हुए हैं, तो क्या वो मेरे भाई हो गए क्या? वो भाई हैं या नहीं है उससे हमको नहीं मतलब है। आप इस बुनियादी भवन निर्माण का जो है ठेकेदार हैं, तो आप सबसे पहले ये चीज बताइए कि आपने एस्टीमेट का एक बजट जो है सार्वजनिक क्यों नहीं किया? हमारा विद्यालय कितने पास है, कितने में पास है, इस लागत को आपने क्यों नहीं किया? इसका क्या रीजन हो सकता है? कोई रीजन नहीं है। तो आपने क्यों नहीं बनाया? मैं मानता हूँ कि इस बोर्ड को नहीं लगाया, ठीक है बोर्ड छोड़, रीजन तो कुछ बताइएगा ना। कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं है, बोर्ड नहीं लगवाया तो फिर बोर्ड लगवाने का मतलब क्यों नहीं लगवाया, यही चीज तो मैं पूछ रहा हूँ। वो आप मेरे से ये सवाल नहीं, यहाँ पे पूछिए कि यहाँ पे काम घटिया हो रहा है, इसके बारे में बात कीजिए ना, बोर्ड के पीछे क्या पड़े। सबसे बड़ी चीज देखिए, सबसे नहीं, आप ठेकेदार हैं, देखिए सबसे मेरा बात सुनिए, सबसे पहले आपकी क्या एस्टीमेट है या बिट्टू जी नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन जब तक आप वहाँ पे बोर्ड नहीं लगाते उनको नहीं मालूम चलेगी कि हाँ क्या कुछ मामला है यहाँ पे। नहीं नहीं, ये लोग अपना राजनीति चमकाने के चक्कर में मेरे को बदनाम कर रहे हैं। यानी ये लोग अपने राजनीति के चक्कर में जो है मात्र 3 ही आदमी आपको ट्रोल कर रहे हैं। बस यही 3 आदमी गाँव का, इनके पास सपोर्ट नहीं। ये सुंदरम कुमारी जो खुद बोली है कि पवन जी ने मेरे पति को, इनके साथ गाँव वाले नहीं है, पूछिए ना गांव वाले से, पूछिए गांव वाले बोलेंगे कि क्या काम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सुंदरम कुमारी जो है फेसबुक पर डाली है कि पवन कुशवाहा जो है मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी है, यहाँ तक ये स्टेटमेंट दिए हैं फेसबुक पर। हमने उनका पोस्ट पढ़ा था, वह यह पोस्ट जो है डाली हुई है कि पवन कुमार कुशवाहा जी की तरफ से जो है हमको मारने का धमकी, मेरे पति को मारने का धमकी दिया गया। तो क्या कुछ मामला है कि आप मतलब इस तरह से एक आदमी को क्यों ट्रोल कर रहे हैं? कुछ मामला नहीं है, वो खुद अपने से फेसबुक पर ये चीज अपलोड कर रही है ताकि मैं हाईलाइट हो जाऊं, ठीक है। और यहाँ पे मुखिया का इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, इसके लिए वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, मुखिया का इलेक्शन होने वाला है इसलिए। नहीं, आइए यहाँ पे कुछ लोग गांव का जो लोग हैं, हम उन लोगों से जो है भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहीं के रहने वाले?
यहीं करा। क्या हुआ मैंने आप पहले बताएंगे तो। तो नहीं है तो पहले तन का समझे। आप इस गांव के नहीं है? गांव के है। तो गांव के हैं तो फिर जो ये बुनियादी भवन इतने दिनों से निर्माण कार्य चल रहा है तो इसके लिए जो है पूरे गांव से लेकर के पेपर अनाउंसमेंट तक जो है मामला चला गया, लेकिन आप गांव के होकर के नहीं जान पाएंगे क्या कुछ मामला है। बोल रहा था लोग, उसमें लिखा हुआ था तो मान लीजिए फेवर ब्लॉक का। अच्छा, वही जो बनता है बालू या सीमेंट से बनता है तो उसके तरह मजबूत नहीं है। सीटा की तरह पक्का हुआ ईंटा नहीं मिलेगा। इस बात को आप भी मानते हैं कि जो हम लोग चिमनी से जो मिट्टी का ईंटा बनता है उसके जैसा यह मजबूत नहीं होता? जैसा मजबूत नहीं है। कैसे एस्टिमेट बना है, एस्टिमेट बनाने वाला जाने। यानी कि जो ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहे हैं आप उनके सपोर्ट में है कि नहीं, काम ऐसा ही होना चाहिए? नहीं, ऐसा बात नहीं है। घटिया काम होगा तो हम भी रोक सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, घटिया काम जो अब होगा तो यहाँ हम भी रोक सकते हैं। चलिए, इनका भी आरोप है कि यदि घटिया काम होगा तो हम लोग यहाँ रोकेंगे। आइए, यहाँ पे एक चाचा है, उनसे भी हम बात करते हैं। अपने घर भी यहीं पर पड़ेगा क्या? कुछ मामला है, आप भी जानते हैं कि नहीं कुछ? ठीक है, ईंटा जो खराब है निकाल दिया। अच्छा, ईंटा जो खराब है ठेकेदार निकाल दिया, यानी कि अब इसको बनना चाहिए। देखिए यहाँ पे यही वो बुनियादी भवन है। कैमरामैन से मैं बोलना चाहूँगा कि आप आइए, जरा दिखाइए इस बुनियादी भवन को, और इसी भवन का जो है निर्माण यहाँ पे हो रहा है। देखिए, यही वो भवन है जिसका निर्माण जो है यहाँ पे पवन कुमार के द्वारा जो है किया जा रहा है, और इसी भवन को लेकर के जो है भितियारों में जो है इतनी ज़्यादा विवाद खड़ी हो चुकी है, जिसको जो है बहुत सारे लोगों के द्वारा, और इसी भवन की वजह से जो है यहाँ पे इस तरह से जो है गहमा गहमी देखने को जो है मिल रही है। कैमरामैन विश्वजीत के साथ मैं पप्पू कुमार, भितियारोवा।